हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो वीकेंड शुरू हो चुका है हमारा और आपने देख ही लिया है कि ईवान ने कैसे उथल पुथल कर दी है सुबह उठते ही, क्योंकि उसको तो ना ऑफिस जाना होता है। और हम लोग अभी धीरे धीरे उठ रहे थे तो मैंने किचन में जाके एकदम से देखा कि सारे बॉक्सेस उसने निकाल के ज़मीन पे फेंके हुए हैं। और ये उसका रोज़ का ही है, मैं जितनी बार भी अंदर रखती हूँ उतनी बार वो बाहर फेंक देता है निकाल के। जो कबर्ड है ना वो उसके लिए ही प्रॉपर मैंने रखा हुआ है सो दैट वो किचन में आए, छेड़खानी करता है और चला जाता है। तो आज है बहुत ज़्यादा गर्मी, आप देख ही सकते हो, इतनी धूप है, 100 डिग्रीज जा रहा है रोज। तो अभी मैं बस ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करती हूँ, सोचती हूँ पहले कि क्या बनाना है, कुछ हल्का फुल्का सा ही बनाएंगे और उसके बाद जो भी होगा आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एंड स्टे ट्यून्ड। आपने नाई नाई कर ली? गुड मॉर्निंग, गुडी गुडी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग मामा। स्टॉप। ओहो, दादी ने नहला दिया आपको सुबह सुबह है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ईवान का तो ना चाहे वीकेंड हो वीकडे हो सुबह सुबह उठना मतलब ज़रूरी है। इसका तो ऑफिस शुरू हो जाता है। ये अभी अपना लैपटॉप के साथ बिज़ी है, इस टॉय के साथ ये इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इतना ऐसा क्या है इसमें। तो मैं ना अभी आ गई हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, चाय मैंने रख दी है और सिद्धार्थ के लिए मैं बना रही हूँ एग पराठा, क्योंकि उसका एग पराठा खाने का मन है, बहुत टाइम से उसने खाया नहीं है। तो आज बोल रहा है कि मुझे एग पराठा खाना है। और अपने लिए और ईवान के लिए मैं सिंपल नमक अजवाइन का पराठा बना रही हूँ। कई बार ना मतलब हैवी खाने का मन नहीं होता तो मुझे नमक अजवाइन का पराठा बहुत टेस्टी लगता है। जस्ट अचार ले लो साथ में और साथ में चाय। तो मेरा तो जो ब्रेकफास्ट है वो सिंपल सा नमक अजवाइन का पराठा, आई लव। और ईवान भी खा लेता है खुश होकर। Like it? It's yummy. Eat, eat. It's yummy. आधा छोड़ दिया ईवान। नहीं, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर डैडी क्लीनिंग कर रहे हैं ईवान। डैडी वैक्यूम कर रहे हैं ईवान ऊपर। तो सिद्धार्थ को ना ईवान ने देख लिया था ऊपर जाते हुए वैक्यूम करते हुए, तो उसको था कि मैं भी जाऊंगा पीछे पीछे डैडी के। तो बस आज वीकेंड वाले दिन तो ऐसे ही चलता है। ऊपर वाला फ्लोर सिद्धार्थ ने क्लीन कर दिया, मैं नीचे वाला कर दूंगी। एंड लॉन्ड्री वगैरह जो भी है वो मम्मी ने हैंडल कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं ईवान के लिए। नहीं नहीं, आई थिंक ये अच्छी लगी है मुझे, कितनी क्यूट क्यूट है ना। सिद्धार्थ ईवान के ऊपर ना ये कलर भी अच्छा लगेगा। तो ईवान अभी डे केयर जाता है ना, तो रोज़ रोज़ नई नई टी शर्ट्स उसके लिए चाहिए ही होती हैं। तो बस अभी मुझे यहाँ पर ना काफ़ी वैरायटी लगी, मैं और लेकर जाऊँगी। पहले अभी उसकी पहले की भी बहुत पड़ी हुई हैं जो कि यूज़ नहीं हो पाती, जो जो आगे आगे आती रहती है ना वो तो यूज़ हो जाती हैं, लेकिन जो अच्छे से पीछे नई नई होती हैं वो यूज़ नहीं हो पाती। तो आई विल मेक श्योर कि पहले उसको वो नए नए जो भी कपड़े हैं वो यूज़ हों उसके, एंड देन मैं और लेकर जाऊँगी। काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी मुझे यहाँ पर। उसके बाद गए हम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। वहाँ से सिद्धार्थ को शॉपिंग करनी थी अपने लिए, दिस टाइम मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि मेरी शॉपिंग जो है बाथ एंड बॉडी से ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। तो ले लिया ना तुमने अपना? ओके। कोई मॉल नहीं है, एक आधा मॉल है वही लगे रहो वहीं पे, एक साल में पूरा हो जाएगा। मॉल का ना जैसे शुरू शुरू में शौक होता है, तो मॉल है, नहीं, वैसे भी मॉल में शुरू शुरू में में शौक होता था कि हाँ ये मॉल में जाना है, तो ऐसे लगता है यार कॉमन सी चीज है मॉल, क्या मॉल में कौन जाता है घूमने, जो है सीजनल है उसमें आप बाहर का आउटडोर शॉपिंग है आप कब जाओगे। अब एक बच्चा नॉर्थ स्टार बचा और फिर एक नॉर्थ स्टार बचा उसमें गोली चलती रहती है, एक्सेस कितनी यूनाइटेड गोलियाँ चलाना मैं, ठीक है तो फिर क्या कौन कहाँ जाए। अब गर्मी इतनी है कि मतलब निकला ही नहीं जाता, तो घर पे ही बैठे रहो बस, अनलेस आपकी कोई मजबूरी ना हो। मुझे कुछ पीने का आज मैं कोक लेकर आई हूँ गाइस, इसमें डाल के और गला खराब हो जाता है कोक पी के ठंडा गर्म। हम ना यहाँ पे आए हुए हैं नॉर्थ स्टार मॉल में और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। सिद्धार्थ अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है और इतना ज़्यादा वहाँ पे वेटिंग टाइम है, कब से लगा हुआ है लाइन में। उसको मन कर रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो उसको मन कर रहा है कुछ पीने का, बट ऑर्डर ही नहीं आ रहा है अभी तक। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है यहाँ पे प्रेट्ज़ल्स जो कि ख़त्म होने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ सिद्धार्थ आएगा तो मैं थोड़े से उसके लिए बचा लेती हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं ये। जब तक आएगा मुझे लगता नहीं है ये बचेंगे। आ गए, ड्रिंक लग रही है कोक की टी, दो बार ड्रिंक, हाँ दो बार ड्रिंक। ये हो कैसी है? अच्छी है। तो ये है गाइस हनी बोबा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड टी। ठंडे हो गए, हाँ ये तो ठंडे हो गए। शुगर करो मैंने तुम्हारे लिए बचा दिए, सारे खा लिए मैंने बचे भी हैं, बट ये काफी अच्छी है। और रश देखो गाइस यहाँ पे आज तो, मतलब ऐसे लग रहा है पूरा सैन एंटोनियो है ना, ऐसे लग रहा है सैन एंटोनियो आ गया पूरा नॉर्थ स्टार मॉल पे। तो कुछ है क्या आज यहाँ पे? हमारा वैसे प्लान नहीं था कुछ आने का ना, मैं चप्पलों में आया हूँ, चप्पल पहन के गए मॉल में। लोग इतना प्यार होकर आए गए, मैं ऐसे आ गया तो मैं ऐसे भी अच्छी लगा। बात नहीं करना कुछ नहीं होता, इतना नहीं सोचते। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना ईवान को लेके आएंगे, एरिया है यहाँ पे प्रॉपर। मस्त लग रहा है वो वाला नाटो। क्या आया भाई डैडी, क्या लेके आए ईवान के लिए? दिखाना सिद्धार्थ, वैसे वैसे ऐसे दिखाना बॉक्स। क्या है ये? झाड़ू मारने में जब मम्मा झाड़ू मारती है तो ईवान को भी मारना होता है, पोछा भी मारना होता है ना ईवान। ये देखो कितना खुश हो रहा है, कितना होगी सफाई शुरू, होगी सफाई शुरू। ये आई थिंक पोछा है, पोछा है। ओह वाह, अरे बेचारे के दो हाथ है, एक में एप्पल है। देखो ईवान क्लीन अप कर दो, क्लीन अप। हाँ चलो चलो बाहर करो, ओके ओके क्लीन अप करो, चलो करो करो क्लीन अप। नहीं पहले झाड़ू मारेंगे फिर पोछा। ईवान मैं आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। तो कितना क्यूट है वो, देखो कर रहा है। पहले क्या करता है? मशीन चल रही है। ये वैसे बेसिस नहीं है ये। अरे ये भाई ये तो ऐसी है, दिखा ना क्या है ये तो ऐसी है, क्लीनिंग एजेंट है। बेबी कैन डू द हाउस वर्क, क्लीन अप Clean up, everybody. Clean up, clean up, clean up. Everybody, clean up, clean up, clean up. Everybody, clean up. और इवन क्लीन फैशन बस अब बस मुझे लगा था इवान सफाई करेगा ये बर्फी खा का $20 गए पानी में। सब कुछ खिलाना अपने डैडी को। It's not yum. It's not a cake or something. Are you tired now? All done. Good job. Bye bye. तो इवान को मिल गया है उसका न्यू टॉय एंड आई होप अब वो इसके साथ बिजी होगा जितना लैपटॉप के साथ बिजी होता है ना थोड़ा सा टाइम आई होप इसके साथ भी स्पेंड करेगा। और यहाँ पे ना डिनर के लिए मम्मी ने बना दी है टिंडोरा की सब्ज़ी तो मैं बस फुलके लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बना रही हूँ भरवें गोलगप्पे दही पूरी भी कहते हैं जिसको। तो मैंने बस गोलगप्पे में आलू काले चने प्याज की फिलिंग जो है वो डाल दी है ऐड कर दिया है इसमें मैंने दही और ऊपर से ऐड कर दूँगी इसमें इमली की चटनी और ग्रीन चटनी और ऊपर से सेव। तो बस हमारे भरवें गोलगप्पे हो गए हैं रेडी एंड इसको हम इंजॉय करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू इंजॉयड दिस व्लॉग। गिव इट अ थम्स अप एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर व्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशन सो यू नेवर मिस अ व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय।